नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। साल भर किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर दाना दाना करके अनाज पैदा करता है, फिर उस अनाज को सरकार किसानों से खरीदती है। सरकार उस अनाज को प्रदेश के गोदामों में इसलिए सहेज कर रखती है ताकि समय आने पर उस अनाज को गोदामों से बाहर निकाल कर सही स्थान पर लाया जा सके, फिर वही अनाज जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है ताकि गरीब का बच्चा भी दाने दाने का मोहताज ना हो सके, गरीब लोग भी दो समय भरपेट रोटी खा सके। इसलिए सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर उसे सहेज कर गोदामों में भरती है ताकि गरीब का निवाला सुरक्षित रह सके। वैसे तो हरियाणा सरकार गेहूं खरीद कर उसे अधिकारियों के हवाले कर देती है, केवल इसी भरोसे पर कि अधिकारी गेहूं को सुरक्षित रखेंगे। यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि वह देश और देश के लोगों की संपत्ति को सहेज कर रख सके। लेकिन कई बार जब अधिकारियों के हाथ भ्रष्टाचार के रंग में रंगीन हो जाते हैं तो फिर उन्हें ना तो देश ना ही देश के लोगों की चिंता रहती है। उन्हें तो मतलब होता है केवल अपनी जेब भरने से, भाड़ में जाए देश और देश के लोग। जब से हरियाणा में मनोहर सरकार का गठन हुआ है तब से अधिकारी बेलगाम घोड़ों की तरह बस दौड़ते ही जा रहे हैं। आज हम आपको फिर से गेहूं घोटाले की तरफ ले जाएंगे जो कई सालों से करनाल जिले की सुर्खियां बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं, यह तस्वीर तरावड़ी के जीटी रोड के साथ लगते हैफड़ की है। आसमान में काले बादलों का डेरा है और गेहूं के ऊपर ढके जाने वाली तरपाल हटाई गई है। पिछले एक महीने में करनाल जिले में ही नहीं बल्कि तरावड़ी में कई बार बेमौसमी बारिश हो रही है, लेकिन अधिकारियों को ना तो गेहूं भीगने का कोई डर है और ना ही गेहूं से कोई मतलब, क्योंकि गेहूं पर यदि तरपाल आ गई तो गेहूं सूखा रह जाएगा और यदि तरपाल हटी तो गेहूं भीग जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे आखिर यह घोटाला है क्या। आइए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर गेहूं घोटाला होता कैसे है। आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए और सुन लीजिए कि गेहूं घोटाले की परत डाली कैसे जाती है। पहले आपको ले चलते हैं तरावड़ी जीटी रोड स्थित हैफेड के उन गोदामों में जहां हैफेड के खुले आसमान में गेहूं को सड़ने और भीगने के लिए रखा गया है। समाचार एक्सप्रेस को जब इस घोटाले की भनक लगी तो समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला खुद हैफेड में पड़ी गेहूं का आंकलन करने पहुंचे। पहले आप खुद देख लीजिए कि जब समाचार एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची तो वहां नजारा क्या था। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है हम खबर छिपाते नहीं बल्कि दिखाते हैं, और इस समय मैं मौजूद हूं तरावड़ी के बिल्कुल जीटी रोड के पास जहां हैफड़ के गोदाम है, वहां भी मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपसे करना चाहता था कि जो गेहूं है जिसे सरकार पहले खरीदती है, किसान उसे उगाता है, फिर सरकार खरीदती है, फिर उसे अधिकारियों के हवाले किया जाता है और उसे सेफ करने के लिए उन्हें गोदामों में भरने दिया जाता है। फिर उन्हें वक्त आता है जब निकालने का, तो वो गेहूं निकलती है और वो गरीब के पेट में जाती है, यानी कि सस्ते में वो जो गेहूं है वो हमारी केंद्र की सरकार, भारत सरकार उन लोगों को देती है जो महंगे दामों पर, यानी कि अगर 22 रुपये किलो गेहूँ हैं तो वो उन्हें सस्ते की दर पे 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये जिस लिहाज से भी सरकार का रेट होता होगा। अब तो खैर सरकार जो है पिसा पिसाया उन्हें आटा भी दे देती है। लेकिन अभी जो आप खबर मिली है, हम आपको नई ताज़ा अपडेट, मैं आपको ये पीछे का एक दृश्य दिखाऊंगा। आप मेरे देखिए पीछे, इधर देखिए, ये तरावड़ी हैफड़ के गोदाम है और तरावड़ी हैफड़ के गोदामों के अंदर, यानी कि पिछले कई दिनों से यहाँ चट्टे लगे हुए हैं गेहूं के हैफड़ के गोदामों में, और ऊपर आप देखिए कि तरपाल निकली पड़ी है और पक्षी जो है चट्टों के ऊपर चहचहा रहे हैं। आप ये दृश्य देख लीजिए, ये तरावड़ी के हैफड़ के गोदामों के पीछे का है। आगे का दृश्य भी मैंने उसे शूट किया था अंदर जाकर, और एक अधिकारी हैं यहाँ वीरेंद्र साहब, हमने उनसे फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। मैंने धर्मवीर अधिकारी हैं, और धर्मवीर जी से हमने सवाल किया था कि आपने जब पीछे जब लोहड़ी के दिन जब यहाँ बारिश हुई
तो आपके मजदूरों ने, आपके कर्मचारियों ने गेहूं के चट्टों से तिरपाल कैसे हटा दी? ये खेल वैसे तो दिखता नहीं आम लोगों को, लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है। ये खेल इसलिए बड़ा है कि एक्चुअली के अंदर जब ये गेहूं यहाँ लाई जाती है तो अधिकारी जो है नपी तुली तुलाई गेहूं किसान जो लाते हैं मंडियों में, उसे सरकार जब खरीदती है तो उसमें एक नमी की मात्रा को फिक्स किया जाता है, और उस नमी की मात्रा के आप देख लीजिए कि अंदर ट्रक भी घूम रहे हैं इसके एफर्ट के अंदर। हालांकि शनिवार छुट्टी होती है, संडे को भी छुट्टी होती है, और यहाँ ट्रकों की तुलाई और आवाजाही बिल्कुल बंद होती है। बेखौफ अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ट्रक बेशक दिखाए हमने आपको, बीच में एक वीडियो हमने आपको दिखाया था, वो भी आज के दिन का है। तो ये वीडियो आज का ही शूट किया गया है, और आप इसे ध्यान से अब देख लीजिए इन चट्टों को, क्योंकि अगर हम खुले में है वीडियो अंदर से और बनाते तो शायद हमें टिकने ना दिया जाता अंदर, और हो सकता है अधिकारी को झूठा आरोप लगाकर हम पर कोई मुकदमा भी दर्ज करवा देते। लेकिन ये वीडियो हमें बाहर से इनकी हैफड़ के पिछली साइड में, ये आप देख लीजिए मैं खड़ा हूँ वहाँ, ये पिछली साइड में हमने ये वीडियो, हम इसको शूट कर रहे हैं ताकि जनता को और सरकार को ये बताया जा सके कि आपने जो गरीब लोगों के लिए जो गेहूँ खरीदी उसकी इस समय हालत क्या हो रही है। आप खुद देखिए अंदर इन बोरियों के अंदर लगातार पानी बढ़ने से इनका वजन बढ़ गया है, और वजन बढ़ने के बाद अब ये क्या होगा कि जितनी सरकार ने अधिकारियों को गेहूं दी है, गेहूं इनके पास मौजूद है, और ये उतनी नपी नपाई तुली तुलाई गेहूं जो इनके रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, ये वापस सरकार को ये वापस भेज देंगे। सरकार फिर इन आटा मिल मालिकों को डिलीवर कर देगी, और यही खराब पड़ा गेहूं जो है, जो अंदर से सड़ता गलता जा रहा है, वो पिस कर गरीब के पेट में पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये तुलेगी तो इसका वजन नेचुरली बढ़ा हुआ होगा, और बाकी का जो इनके पास गेहूं फालतू की बचेगी, यानी कि वजन के मुताबिक जो वजन बढ़ाया गया जो ये बचेगी, ये फिर अधिकारी जो है आटा चक्कियों को और दलालों को बेच देंगे, और जो पैसे इनके पास आएंगे वो इनकी जेब में जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए इन अधिकारियों का गंदा खेल। ये एक छोटा सा कस्बा है तरावड़ी, और मज़े की बात यह है कि काफ़ी समय से जो अधिकारी का मैंने आपको पीछे नाम बताया था, ये कितने सालों से यहाँ टिके हुए हैं, कितने गोदाम और कितने काछवा तक इनके साथ अंडर है, और एक खबर हम आपको इसके साथ और भी जोड़ के दिखाएंगे कैसे संडे को जब हम वहाँ काछवा में गए तो चावल से भरे ट्रक अंदर गोडाउन में किए जा सकते थे, जबकि किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा ये निर्देश नहीं है कि आप शनिवार और इतवार को ट्रकों की तुलाई करें और उसका माल भीतर करें। अब हम जानना चाहते हैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों की फाइल खुलेगी, क्या गरीबों के पेट में जाने वाले आटे का हिसाब किताब इन अधिकारियों से लिया जाएगा। इन कुछ सालों के अंदर इस अधिकारी ने बड़ी अकूत संपत्ति हासिल की है, यानी कि कृषि भूमि तक खरीद ली, बड़े बड़े प्लाट कुरुक्षेत्र जैसे बड़े शहरों में जीटी रोड के साथ लगते क्षेत्रों में खरीद लिए। आखिर एक छोटे से पद पर रहने वाला यह अधिकारी इतनी बड़ी अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बना, इसकी जाँच हर हाल में होनी चाहिए। मैं हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस के लिए, हैफड तरावड़ी जीटी रोड। आपने तरावड़ी का हैफेट नजारा तो देख लिया होगा। कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, और तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वह तस्वीरें खुद घोटाले की हकीकत बयां कर रही हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला करनाल भी कमाल का क्षेत्र है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर सबसे अधिक गेहूं और धान के घोटाले करनाल में ही क्यों हो रहे हैं, और सरकार खुद इन मामलों पर क्यों पर्दा ढकना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या इतने असहाय और लाचार हो गए हैं कि वह जांच करवाने के नाम से भी डर रहे हैं? आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? यह समझ से परे की बात है। सालों से इस हैफेड में डटे हुए अधिकारी ना जाने कितने समय से इस तरह से घोटाले करते आ रहे हैं, और ना जाने कितने लाखों टन गेहूं यह अधिकारी हड़प चुके हैं। जब यह गेहूं सरकार द्वारा खरीद कर गोदामों में लाई जाती है तो यह अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे सहेज कर गोदामों में रखवाए।
गोदामों में रखा हुआ गेहूं सुरक्षित रहता है, लेकिन यदि वह गेहूं गोदामों में चला जाए, भला अधिकारी फिर खाएंगे क्या? मंडी से जब गेहूं की तुलाई होती है, तब ही गेहूं हैफेड या दूसरे गोदामों में पहुंचाई जाती है, ताकि जब बांटने का समय आए तो वजन से तुली हुई गेहूं गरीबों में वितरित की जा सके। लेकिन अधिकारियों का काला सच भी सामने आना चाहिए, इसलिए समाचार एक्सप्रेस लगातार इन घोटालों का उजागर करता रहता है। खुलेआम में पड़ा यह गेहूं न केवल लगातार भीग रहा है, बल्कि सड़ भी रहा है। बारिश का पानी पड़ने से गेहूं का वजन बढ़ जाता है, लेकिन सरकार जब गेहूं वापस लेती है तो वजन के हिसाब से लेती है, क्योंकि गेहूं में बारिश का पानी समा जाता है। इसलिए सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं का काफी हिस्सा इन अधिकारियों के पास बच जाता है। बची हुई गेहूं को अधिकारी आटा चक्की या मिल मालिकों को बेच देते हैं और लाखों की रकम आपस में मिलकर बंदर बांट कर लेते हैं। अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि जब हमने अधिकारी से चार सवाल पूछे तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया। हम आपके सामने एक और बड़ा खुलासा करेंगे कि कैसे इस अधिकारी ने इस घोटाले को लेकर खुद का नाम एक बड़े नेता से जोड़ लिया। चौंकिए मत, क्योंकि समाचार एक्सप्रेस इस हकीकत का भी भंडाफोड़ इसी चैनल पर करेगा और उस नेता से भी पूछेगा कि आपका इस घोटाले में आखिर हिस्सा कितना है। बने रहिएगा हमारे साथ। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।